गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में लगातार रैलियां कर रहे हैं। रविवार को पीएम मोदी नेत्रंग में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। यहां वह कुछ समय देरी से पहुंचे। मंच पर आते ही उन्होंने जनता को देर से आने का कारण बताया। वजह जानकर लोगों ने जमकर तालियां बजाई और नारे लगाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच पर चढ़ते ही जनता से कहा कि मैं 2 मिनट देरी से आया हूं, क्योंकि मैं आदिवासी भाइयों से मिलना चाहता था। एक 9वीं का छात्र है और दूसरा उसका भाई जय 6ठी का छात्र है। 6 साल पहले उनके माता पिता का बीमारी के चलते देहांत हो गया। जिस वक्त उनके माता पिता गुजरे उस वक्त उनकी उम्र 8 और 2 साल की थी। आज दोनों जिंदगी अपने दम पर जी रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि दोनों भाइयों की कहानी उन्होंने वीडियो के जरिए देखी। उस वक्त मैं दिल्ली में था और मैंने सीआर पाटिल को कुछ व्यवस्था करने के लिए कहा। आज इन बच्चों के पास अपना घर, टीवी, पंखा और कंप्यूटर है। एक भाई कलेक्टर तो दूसरा भाई इंजीनियर बनना चाहता है। कि बे आदिवासी बालकों ने मळवू हतु, एक नु नाम अवि अने बीजा नु नाम जय, अहींया बैठा हशे कदाच। अवि 9मा मां भणे छे अने जय 6ठा मां भणे छे। आदिवासी संतानो छे बधे, આપણે અહીંયા પડોશમાં જ છે એ બે ભાઈ બહેનના, એ બંને ભાઈઓના માતા પિતા આજથી 6 વર્ષ પહેલા ગુજરી ગયેલા બીમારીના કારણે। આપ વિચાર કરો, 6 વર્ષથી આ બે ભાઈ, એ વખતે એની ઉંમર હશે 8 વર્ષ અને બીજાની ઉંમર હશે 2 વર્ષ। आ भाई एक बीजा ने मदद करे, एक बीजा ने मोटा करे, जाते रांधे, जाते खाए, घर नहीं कहीं नहीं। एक कोई वीडियो में जोयो, मारा ध्याने आयो अने मने थयो करे आ दशा, एटले मैं अमारा सीआर पटेल ने फोन कर्यो। मैं कहूं भाई आ बे दीकराओनी चिंता आपणे करवानी छे। તમને જાણીને આનંદ થશે, મારા આદિવાસી બે દીકરાઓ જેમને મા બાપ નથી, દિલ્હીમાં હું બેઠો હતો, એમને ખોટ ના સાલવા દીધી, ઘર બનાવી દીધું। ઘરમાં પંખો, કોમ્પ્યુટર, ટીવી બધી વ્યવસ્થા થઈ ગઈ। એટલે આજે એ બાળકો મળવા આવ્યા હતા। મેં એમને કહ્યું તમારે જ્યાં ભણવું હોય એ લઈ જાય। મેં કહ્યું શું કરવું છે? એ કે મારે કલેક્ટર બનવું છે, બીજું કે મારે એન્જિનિયર બનવું છે। સાહેબ જેના મા બાપ નથી, જેને જાતે મહેનત કરીને રોટલા શેકીને 6 વર્ષની ઉંમરે જિંદગી શરૂ કરી છે, એ છોકરા જયારે આજે દેશના પ્રધાનમંત્રીની બાજુમાં ઉભા રહીને આ સંકલ્પ અને સપના જોતા હોય ને, તો મને પણ મારી જાત ઘસવાનો આનંદ આવતો હોય છે। पीएम ने रविवार को खेड़ा जिले में भी रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने आतंकवाद के मुद्दे पर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस आतंकवादियों को वोट बैंक के तौर पर देखती है। कांग्रेस के नेता आतंकियों के समर्थन में रोने लगते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुजरात की सरकार आतंकियों को पकड़कर कार्रवाई करती थी, लेकिन दिल्ली में पूर्व कांग्रेस की सरकार उन आतंकियों को छुड़वाने में पूरी ताकत लगा देती थी। बता दें कि गुजरात के 182 विधानसभा सीटों पर 2 चरणों में मतदान होने वाला है। 1 दिसंबर को पहला चरण का मतदान कराया जाएगा। इसके बाद 5 दिसंबर को दूसरे चरण का मतदान कराया जाएगा। वहीं 8 दिसंबर को मतगणना होगी। इस बार गुजरात में पहली बार चुनाव लड़ रही आम आदमी पार्टी ने प्रदेश में मुकाबले को त्रिकोणीय कर दिया है। हालांकि पूरे चुनाव प्रचार में भाजपा आम आदमी पार्टी की मौजूदगी को दरकिनार कर रही है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।